हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। हमारी परेशानियाँ हमारी गलत फहमियाँ होती हैं, हमने गलत पैमाने बना लिए खुशनसीबी बदनसीबी कामयाबी और नाकामी के। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं जब हम ईमान ले आए, जब हमने कलमा पढ़ लिया, तो अब अल्लाह ने कह दिया है कि मैं आजमाऊँगा भूख से और खौफ से। ख़तरनाक भूख कौन सी है कि ख्वाहिश भी और पूरी भी ना हो रही हो। खौफ क्या है कि जो हासिल शुदा चीज़ें हैं वो छिन ना जाए। आज आप देख लें कि आरजुएँ बढ़ती जा रही हैं, कंपेरिजन बहुत ज़्यादा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी देखो अपने से नीचे को देखो, सर उठा के अल्लाह से कुछ मांगने से पहले सर झुका के वो सारी नेमतें गिन लो जो अल्लाह ने पहले से दी हुई हैं। एंग्जाइटी वसवसों की, नेगेटिव थाट्स की बीमारी है, या माजी का पछतावा या मुस्तकबिल के अंदेशे। प्रेजेंट मोमेंट में बंदा नहीं रहता, या माजी के उसके बारे में सोचता रहता है। आधे लोग तो माजी बदलना चाहते हैं, देखें क्या चाहते हैं। वो वक्त जो वैसे ही गुजर गया उसको अपने दिमाग में फिर से लाके, अल्लाह तो किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता, हम खुद को आजमा रहे होते हैं। ख़तरा बाहर से नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी में ना एक फेयर भी डेवलप हो जाता है, ख़तरे का एहसास होता है। ख़तरा बाहर से नहीं है, ख़तरा अंदर से है। शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है और वो दो ही काम करता है, या मगरूर कर देता है या मायूस कर देता है। जब आपके हालात अच्छे होंगे तो मगरूर कर देता है, ये उसका तरीका वारदात है, या अगर कहीं ज़रा सख्ती आएगी तो वो आपको मायूस कर देगा। और अल्लाह ने तो सीधा सीधा कह दिया कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। अपने हाल को नहीं देखना होता, अपने ख्याल को देखना होता है। उस दिन मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की एक ऑडियो सुन रहा, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि पैगम्बर की इब्तिला तकर्रुब की इंतहा होती है। जितना पैगम्बर तकलीफ़ में होता है उतना अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह की तकसीम अमीर और गरीब की नहीं है, खुशी और गम की नहीं है, करीब और दूर की है। वो एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते की सबसे रास की बात यह है कि मुश्किल में भी आसान रहता है। देखें, छोटे डर को बड़ा डर ख़त्म करता है। हम दुनिया को लेके उलझ गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये दुनिया जो है ना काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। हमने जो हमारा मजमून था ना वो डिपार्चर का था, हम अराइवल को लेके बैठ गए और यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। कैद खाने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि जब भी इंसान उससे निकले तो खुशी खुशी निकले। तो फजल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फजल ये कि मौत आसान हो जाए। जो ज़िंदगी अल्लाह ने रखी है आसानी के साथ, अल्लाह की जिक्र के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ और इंसान की खिदमत के साथ गुजरे। ये जो हम आर्टिफिशियल हो गए ना, मनसनूई हो गए, कि जैसे अभी आपने बड़ी प्यारी बात की कि आधा मसला तो सुनने से हल हो जाता है, हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती। अक्सर आप हॉस्टल लाइफ से मुझे याद आता है कि आप लेटे हुए हो और आपने कोई ज़रूरी जो है चीज़ें लेने जाना है और आप कहते हो कि दोस्त हो, कहते हो कि यार मैंने बाजार तक जाना है लेकिन बड़ा थका हूँ, और वो एकदम से कहते हैं कि चल यार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो बस इतना कह देना कि चल यार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। तो हम इंसान जो है ना इंसानों के लिए बने हैं, इंसानों की खिदमत के लिए बने हैं। हम मतलब लोगों ने क्या किया है, लोगों ने इंसानों को रद्द करके इन मशीनों का सहारा लिया। जिम को मैं इसीलिए भी रिकमेंड करता हूँ कि जिम में एक सोशल सपोर्ट बन जाती है, एक जिम का अपना एनवायरनमेंट होता है, आप रेगुलर बेसिस पे आ रहे होते हो, सलाम दुआ भी लोगों से हो रही होती है, मिरर में आपको जो है रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। तो ये इस वजह से ना वो एक सपोर्ट मिल जाता है उन एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स को कि जो घर में एक जगह एक कोने में बैठे हुए हैं और अब वो जो तन्हाई है ना वो उनके लिए सबसे ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि अब जो एक फारिग बंदा है वो जो है शैतान के पूरे कंट्रोल में होता है और वो फिर उन थॉट्स से निकल नहीं पाता। सबसे बड़ी एडिक्शन जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स की है। एंग्जाइटी डिप्रेशन जिसने गुजारा हो उससे पूछें कि ये किस हद तक खतरनाक होती है। एक्सरसाइज कुछ हार्मोनली भी चीज़ें चेंज करती है, ये भी मैं बता दूं। एक्सरसाइज होप मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है। जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो होप मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है जिसके एंटी एंग्जाइटी और एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स हैं। ये जो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जो हमारे जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हमारे मसल जल रहे होते हैं, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर होता है। ये लैक्टेट ब्रेन में जाके एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट देता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना कि मुशक्कत, ये थोड़ी देर के लिए तो हमें ज़रा भारी लगती है लेकिन उसके जो मेंटल हेल्थ के ऊपर बेनिफिट्स हैं ना वो कोई भी जाके देख सकता है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकता है कि दुनिया कितना इसके ऊपर काम कर रही है। हमें तो दीन इस्लाम अल्लाह ने दिया था जो हमारी स्ट्रेंथ थी, हम अनफॉर्चुनेटली उसको समझ नहीं पाए। कुरान हमने तर्जुमे से नहीं पढ़ा और हमारी शायद वो प्रायोरिटीज़ ही चेंज हो गई हैं कि हम जो असली खुशी है ना उसको नहीं महसूस कर पाते और हमने बेजान चीज़ों में अपनी जान अटकाई हुई है। इसलिए
बीमारियां और ये परेशानी आ गई। जितना आप इंसान, जितना आप अल्लाह के करीब होगे उतना आप इंसानों के करीब होगे। बल्कि हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह की एक ऑडियो में ना वो बड़ी उन्होंने प्यारी बात की कि जब भी रात को सोना, अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद से भेजा, बेमकसद नहीं भेजा, तो रात को सोने से पहले खुद से क्वेश्चन किया करो कि क्या मेरी जात लोगों के लिए बेजरर है। अगर है तो मुबारक हो, दीन की इब्तिदा हो गई। फिर अगला क्वेश्चन करो कि क्या मेरी जात से लोगों को नफा हो रहा है। अगर तो जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, दीन मुकम्मल हो गया। दीन की इब्तिदा बेजरर होने से होती है और इंतहा फायदा बख्श होने से होती है। तो ये हमने ना इस चीज को लेके चलना है। और यकीन जाने मैं खुद अपनी जर्नी भी शेयर कर चुका हूँ, मैंने 3 ईयर्स एंग्जाइटी के साथ गुजारे हैं और उस पूरे प्रोसेस में ना मैंने बड़ा कुछ सीखा। क्योंकि इंसान वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो छलांगे मार रहा होता है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो इसी दौरान मैंने बड़ी चीज़ें सीखी। वो राहत जो तुम्हें सुला रही है उससे वो तकलीफ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। ये जो अल्लाह की तरफ से जो तकालीफ आती है ना, ये दावत नामे हैं जगाने के लिए। क्या मेरे बंदे जाग, कहीं ज़्यादा आराम पसंद तो नहीं हो गया, कहीं ज़्यादा कम्फर्ट में तो नहीं चला गया, कहीं आसपास देख रहे हैं। ये जो पड़ोसियों के हकूक के ऊपर सहाबा समझते कि शायद जायदाद में भी इनको हिस्सा ना दे दिया जाए। तो ये इस पूरा इस्लाम जो है ना, ये पूरा का पूरा आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स का हल है। लेकिन हम उस इस्लाम को समझे नहीं है। अक्सर आजकल ये सो कॉल्ड, ज़रा ये जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि कैसे आप एक बीमारी को इस्लाम से रिलेट कर रहे हैं। क्या इस्लाम आपको कंपैशनेट होना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको एम्पथी नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको एक्सरसाइज करना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको रोज़ा रखना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। पहले अपनी खिदमत करनी है फिर दूसरों की करनी है। तो यानी कि खुद से गाफिल वाले जो, मतलब कवी मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़रों में ज़ईफ़ मोमिन से। यानी कि अल्लाह को भी वो मुसलमान पसंद है जो पहले अपनी खिदमत करता है, जिसने अपने आप को इस काबिल कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम समझेंगे ना, तो हम कोई इस्लाम को माज़ल्ला कोई ऐसा नहीं समझ रहे कि जैसे हम बीमारी से नज़र हटा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस्लाम को प्रॉपर समझ जाए तो बनाने वाले ने ही हमें इस्लाम दिया है ना, तो उसने पूरा मुकम्मल एक तरतीब हमें बना के दी है। बस ज़रा सा हम उसके ऊपर अमल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में आसानी है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह से एक शख्स ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राज़ी है। उन्होंने जवाब दिया कि जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो उतना अल्लाह तुमसे राज़ी है। खुद से पूछो कि कहीं तुमने अल्लाह से गिले तो नहीं शुरू कर दिए? पहले थोड़े इनाम हुए हैं अल्लाह के आपके ऊपर। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इज़ अ किलर ऑफ जॉय। हम जब तक कंपैरिजन नहीं छोड़ेंगे, हमने मौजूद लम्हे पे राज़ी रहना। बल्कि नफ्से मुतमैना के मुतल्लिक उनसे क्वेश्चन हुआ ना कि ये कैसे अचीव की जा सकती है, ये है क्या? तो उन्होंने एग्जांपल दी कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला आपको 2 दिन के लिए आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल दे और 2 दिन बाद वो कंट्रोल वापस ले और आपसे पूछे कि क्या क्या बदला, और आप बोलो कि या अल्लाह आपसे बेहतर मेरी ज़िंदगी कौन चला सकता है, जूँ की तू वापस लौटा दी। तो ये नफ्से मुतमैना है। और ये अगर हम समझ जाए ना कि अल्लाह ताला हमें जिस मुश्किल से गुजार रहे, नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। ईमान वसवसे की नफ़ी करता है। जितना ए ईमान वालों मजीद ईमान लेके आओ। ये क्यों है? क्योंकि जब तक ये लाइफ है ना, ट्रायल्स आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, आसानी आती रहेगी। जिसने अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी को कैसे देख पाएगा? ये दोनों, खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह है। बहुत सारे लोग ना जो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो नाउमीद हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह के ज़रिए शैतान क्या करता है कि आपका दुआओं पर से यकीन छीन लेता है कि इतने गुनाह हो गए अब क्या हो सकता है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूँ। तो तुम्हें किस चीज़ ने जो है परेशान किया हुआ है? ख्याल दुरुस्त हो जाए ना, मंजर ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। लेकिन लोगों का बैठना, लोगों में अपनी संगत को देखना कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो। कोई एक इंसान अल्लाह के हवाले से मुंतखब कर लो और उसकी बात मानना शुरू कर दो। मैं तो यही समझा। बल्कि वो अक्सर कहा करते थे कि जो सिर्फ अल्लाह को मानता है ना और इंसानों को नहीं मानता, वो शैतान भी था। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा कर, उन्होंने कहा मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मानता हूँ, ठीक है, तो रांधे दरगाह हो गया। तो ये चीज़ समझनी है कि आपकी लाइफ में दीन के एतबार से कोई उस्ताद है कि नहीं है, जो आपका काम है उससे रिलेटेड कोई उस्ताद है कि नहीं है। ये जो बेउस्तादे लोग हैं ना, डॉक्टर गूगल शरीफ ने जो है ये बड़ा काम ख़राब किया है कि अब लोग घर बैठे खुद से डॉक्टर बन रहे हैं। एक चीज़ जो गूगल आपको नहीं दे सकता वो है एक्सपीरियंस, वो है तजुर्बा। जितना इल्म इताअत से मिलता है उतना किसी किताब से नहीं मिलता।